लग गया मेरे क्रीम लाग लगा उन्हें पूछ रहे थे मेरे को सईद गनी कराची वाले यकीन मानो उनका पूरी तरह हम मुंह खोलेंगे एक साइड का चबाड़ा ही नहीं होगा अच्छा तुम मास्क भी मैचिंग करके पाया है किनार रख रहे हैं तो पा लो जब तुम शर्ट पाई हो मास्क पा ले अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की अल मसूद सुथरा नाजरीन जैसे कि लाहौर का मौसम तो बड़ा खूबसूरत हो गया पूरे पंजाब का मौसम बड़ा खूबसूरत है बारिशें हो रही हैं लेकिन सियासत का मौसम खराब दर खराब ही है कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है कि अजीब गरीब सी बात करनी पड़ जाती है जैसे कि सईद गनी साहब कह रहे हैं कि 1,00,000 इमरान खान भी आ जाए तो सिंध को फतह नहीं कर सकता इमरान खान ने तो कश्मीर भी फतह कर लिया एक इमरान खान सत पे भारी हो रहा है तो भैया सिंध को फतह क्यों नहीं कर सकता मेरे साथ रहिए लोगों से बात करते हैं ईद तो बड़ी खूब मनाई है ना हाँ जी सारा गोश्त उसी इकट्ठा किया है गली में बैठ तू शर्ट की पागे करनी आप हैंगर से लटके हैं क्या बात है यानी मैं हैंगर से लटके हैं क्या बात है और देखो जिस किल्ली से लटके हो वो है बे थोड़ा दूर हो गए काल कर क्या हाल है आपके अलग शुक्र सर तो आगे की बैग में दूर सी लगा लगा जो ते शेव नहीं करा रहे खैरियत है ओ नहीं मिलया ब्लेड ओ नहीं मिलया कि चाचे दा पुत्तर ब्लेड बनला ओ नहीं मिलया यार हो गया सीधा कौन नहीं रेजर मिलया नहीं मिलया ओ नहीं मिलया जिमे किसे कजन ने आना सी ताडे यार खुदा शेव करन वास्ते किधर जा रहे हो सईद गनी कराची वाले कराची अरे गंजे भैया अरे भैया वो तो पान खा के मेरी तरह बर्बाद हो गए उनको क्या कहें यार यकीन मानो उनका पूरी तरह हम मुंह खोलेंगे एक साइड का चबाड़ा ही नहीं होगा फिर उन्होंने जैसी बात करी भाई मियां क्या हाल है भाई ठीक है आप नहीं ठीक दुब के मार जो नहीं ठीक ये सईद गनी साहब कह रहे हैं कि 1,00,000 इमरान खान भी आज सिंध को फतह नहीं कर सकता क्या कहते हैं आप इमरान खान हैगा कौन है पहले आते दस सईद गनी साहब को कुछ समझा दें कि इमरान खान क्या कर सकता है सर जी सारे रले मिले ने आपस बह के रोटियां बाद जो खाते ने तो एक दूजे के खिलाफ भी होते ने मुझे ये बताएं ये सईद गनी साहब कह रहे हैं कि अगर 1,00,000 इमरान खान भी आ जाए तो सिंध को फतह नहीं कर सकता सईद गनी जरा ओपनर बैट्समैन है मैं कर लांगा इमरान खान तू किथे पहुंच रहा अच्छा जी हां जी इमरान आप कैसे फतह कर लेंगे सिंध को जी ऐं करके मसंग ऐं करके ऐं करके ऐं करके चुंजला जहाज है तू ऐं करके ऐं करके किवें होएगा मैं दस तो सही ना है कि तू मसलन दसया मैनू ये तो मुझे तुमने परेशानी में डाल दिया कि इंज करके कहना अरे इमरान खान क्यों ललकार रहे नहीं नहीं इंज करके पहले दस तो तू इमरान खान नू बाद दी गल करने इंज चला इंज मसलन इंज करके की मसलन इंज करके गुड्डी लुटनी होती सर आज मैं आपका ना एक टैलेंट भी देखना चाहता हूँ यानी ये तो जुगतों वाला टैलेंट आपके अंदर है आप गाकर मुझे कुछ सुनाएंगे आज सुना देते हैं प्लीज प्यार दिल में जगा धड़कनों में समा तुझको कसम मेरी जाना आके ना फिर दूर जाना प्यार दिल में जगा बहुत थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया लव यू लव यू नाज़रीन ये चेहरे दिखाना मेरी जरूरत है ऐसे चेहरे मैंने आपको जरूर दिखाने होते हैं मैचिंग 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 भाई अब मैचिंग भाई मैचिंग अच्छा तुम मास्क भी मैचिंग करके पाया है किनार रख रहे तो पा लो जब तुम शर्ट पाई हो मास्क पा ले इमरान खान लख भी आ जाए लख भी आ जाए तो पता नहीं कर सकता यार एक तो काबू नहीं आ रहा है जी एक इमरान खान काबू नहीं आ रहा बहुत अच्छे है जी बंदा ठीक है यार गुड मैन है सर नाम क्या आपका हमजा हमजा अरे क्या खूबसूरत नाम है यार सिर्फ शरीफ लगाना है आपने साथ ते अंदर सिंध को फतह नहीं कर सकते तो खाली इमरान ही बड़ा भारी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो भारी है भाई साहब पे इनके कहने से क्या है यार हाँ इनके कहने से क्या हो सकता है इनके घर वाले नहीं सुनते आप हम लोग क्यों इनको इनकी बात सुन रहे हैं ऐसा तो है 1,00,000 इमरान खान भी आ जाएगा तो सिंध फतह नहीं कर सकता क्या कहते हैं असल बात ये सिंध के अंदर ना
गुर्बत और गुलामी बहुत ज्यादा है। उनको, उनको पता गुलामी में जीने वाले क्या जियेंगे, उनको पता ही नहीं है, उन्हें जिधर कहना उधर लग जाना। आपको जिंदगी में जाएंगे ना, आपको 100 साल पुरानी जिंदगी नजर आना शुरू हो जाएगी। यार क्या खूबसूरत बात की। चल बस रुलाएगा क्या? घूम जाओ क्या मजा आया कि भी सिंध पता नहीं मुझे, को मुझे, क्या? मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा, क्यों इंटरेस्ट नहीं है? बस मुझे नहीं, गणेश साहब को पैगाम देंगे कोई? नहीं मुझे पता ही नहीं गणेश साहब हैं कौन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सईद गनी था नहीं पता? नहीं। नाल बार स्टाल लांदा था डेटे। हां वही था यार, मिनिस्टर है वो। सईद गनी साहब कहते हैं कि 100,000 इमरान खान भी आ जाए तो सिंध फतह नहीं कर सकता, क्या कहते हैं बाप? वो सब कुछ कर सकता है इमरान खान, उसमें टैलेंट है। सबसे बड़ी बात यह है वो चोर नहीं है। वेरी गुड, ठीक है, ईमानदारी से काम कर रहा है और दिल से कर रहा है। मेरा पहला वोट इमरान खान को ही था और आइंदा भी उसी के लिए है। दूसरी बात यह है कि जो बंदा सच्चे दिल से काम करता है ना, वो हमेशा फतह याद है। मैंने तो अब तक इमरान खान ही देखा, अभी तक इमरान खान को नहीं देखा। मस्ती का रहे हैं, मैं तेरी इंक्वायरी कर रहा ना, मैं तेरा साथ लूंगा। ओ भाई वो जेड़ा कहंदा घबराना नहीं है, वो तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा। इमरान खान आपकी नजर में फतह कर सकता है या नहीं कर सकता? सिर्फ एक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सईद गनी साहब चाहे तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल। कश्मीर भी फतह किया उन्होंने, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं बींगे पाकिस्तानी इमरान खान के बारे में कि इमरान खान की एक पर्सनैलिटी है, उसने कश्मीर को भी फतह किया है, तो सिंध फतह नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? वो बिल्कुल कर सकता है। तो कोई पैगाम दें गनी साहब को? गनी साहब को क्या पैगाम दें, वो अपनी हुकूमत चलाएं, ये अपनी चलाएं, बस यही है और कुछ नहीं। ये सर हाथ पीछे से हटा दें, टेंशन ना लें, कुछ नहीं होने वाला। पैंतीस के पीछे प्यारी लग रही है मेरे पे, देखें जरा। हाँ वैसे लग तो प्यारी, लग तो प्यारी रही है ना, तो बस जो तो प्यारी लग रही तो कह दो ले जाओ, ले जाओ। ओके साइड पर रख लो जी, क्योंकि मेरा स्टॉल ही नहीं। सियासत में गहमा गहमी तो बड़ी चल रही है, लेकिन सईद गनी साहब ने एक पैगाम दे दिया है, बयान दे दिया है कि 100,000 इमरान खान भी आ जाए तो सिंध को फतह नहीं कर सकता, क्या कहते हैं आप? सर अगर खराई मखलूक साथ हो तो सब कुछ फतह हो सकता है। ये जिस तरह मुस्करा रहे हैं, मेरा काम भी सिर्फ आपको हंसाना है, आपके चेहरे पे हंसी लाना है। अल्लाह पाक भी आपको हंसी वाली जिंदगी अता करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा का। और मस्कर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, साथ है। अल्लाह हाफिज़।